हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। आज आपको लगा होगा कि सर आज कैसा टॉपिक उठा के लाए हैं, आपने थंबनेल को देख लिया होगा। आज इतना गंभीर टॉपिक है जिस पर चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे लगा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। एक छोटी सी बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई दोस्त। जो भी आप में से नए हैं कंपटीशन के फील्ड में या तैयारी के फील्ड में या रनिंग के फील्ड में, उनके लिए खास बात है। देखो भाई, मुझे पता है कि ज़िंदगी को जीने के लिए रोजी या रोज़गार या जॉब या लाइवलीहुड जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे पता है क्योंकि रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, छत कहाँ से आएगी, तमाम तरह की सुविधाएं ज़िंदगी में चाहिए ये कहाँ से आएंगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तमाम लड़के लड़कियां अपने करियर को बनाने की तरफ अग्रसर रहते हैं, तैयारी करते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, दिन रात दौड़ते हैं और इसी भाग दौड़ में लगे रहते हैं। जो उनमें से मेहनती होते हैं वो कामयाब भी होते हैं, कुछ लोग अन्य अन्य कारणों से उसमें रह जाते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जान से बढ़ के भी जॉब है? अगर कोई आपको कहने लगे, मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या ज़िंदगी की कीमत पर आप नौकरी पाना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता है कि कोई ज़िंदगी की कीमत पर नौकरी पाना चाहेगा। नौकरी की कीमत है जिंदा रहने के लिए, पर अगर वही नौकरी आपकी जान की कीमत पर मिल रही हो तो आप में से मुझे नहीं लगता कोई भी बंदा नौकरी पाना चाहेगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई भी भर्ती नहीं होती है, ऐसी कोई भी भर्ती, चाहे वो केंद्रीय बल की हो, आर्मी की हो, या वो पुलिस की हो, या स्टेट पुलिस कहीं की भी हो, जिसमें इस तरह की खबरें सुनने को नहीं आती हैं। या तो भागते हुए दौड़ते हुए किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किसी लड़के की मृत्यु हो जाती है, किसी लड़की की हालत ख़राब हो जाती है, इस तरह की खबरें, हालत ख़राब होना और किसी की मृत्यु अचानक से हो जाना ये आम सी बात हो गई है। इसके ऊपर एक छोटा सा डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। आप सबको पता है कि जेल वार्डन के फिजिकल चल रहे हैं 22 मार्च से, और अभी मैं जब स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब को तो मेरे सामने एक क्लिप आई जिसको देख के मेरे को बड़ा झटका लगा, बड़ा मतलब अजीब लगा मुझे। और मेरे को लगा कि मुझे आपसे गुरु होने के नाते, क्योंकि माता पिता के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो गुरु हुक्का आता है, और गुरु होने के नाते तो जीवन के हर एक पहलू पे मुझे बात करनी जरूरी है। खाली पढ़ाना मेरा काम नहीं है, आपको सही मार्गदर्शन देना भी मेरा काम है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान से सुनते रहना, आप इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। तो मैंने वो न्यूज़ देखी, उसकी मैं अभी आपको छोटी सी एक 10-15 सेकंड की क्लिप भी दिखाऊंगा। उस वीडियो में दिखाया गया कि गोरखपुर PSC में जो फिजिकल चल रहे हैं वहाँ पे लगभग 4800 मीटर की दौड़ हो रही है, 400 मीटर का चक्कर बनता है एक, तो 12 चक्कर में, 12 चौक 48 में दौड़ हो जाती है। तो दो लड़के 11वें चक्कर के आसपास गिर पड़े, उनको तत्काल जिला अस्पताल में लेके जाया गया जहाँ पे एक दोस्त को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे की हालत गंभीर थी। तो एक बार आप वो क्लिप देखो। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर की बात करते हैं जहां पर PSC ग्राउंड पर जेल वार्डन भर्ती की दौड़ परीक्षा में दो युवकों की हालत बिगड़ गई, जिससे एक युवक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको ये बता दें कि जेल वार्डन भर्ती की दौड़ परीक्षा में 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए ग्राउंड में बनाए गए सर्कल पर 12 चक्कर लगाने थे, जिसमें 11वें चक्कर लगाते समय दो युवक चक्कर खाकर गिर गए। एम्बुलेंस की मदद से दोनों युवकों को गोरखपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक गणेश निषाद गोरखपुर के PP गंज का रहने वाला था और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती था। दूसरा युवक बस्ती जिले के वॉल्टरगंज। तो आपने क्लिप देख ली होगी, क्लिप में आपको क्लियरली सब चीजें दिखाई दे रही होंगी। अब देखो ये जो काम हुआ है, देखो भाई मैंने 3 बार CPO का फिजिकल दिया है, उसका अनुभव मैं आपको शेयर करूंगा, और एक बार मैंने हरियाणा पुलिस का फिजिकल भी दिया था, तब मेरी तैयारी के शुरुआती दौर था, बहुत शुरुआती दौर था, ना मैं फिजिकल ठीक से कर पाता था क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा पढ़ने की तरफ झुकाव ज़्यादा था, फिजिकल का झुकाव पहले भी नहीं था। अब भी आप देख सकते हैं मेरे शरीर में काफ़ी फैट आपको दिखाई देता होगा, यानी फिजिकल फिटनेस की तरफ मेरा कोई खास ध्यान रहता ही नहीं है। तो उस दौरान भी मैंने ऐसी चीज़ देखी थी, मैं हरियाणा पुलिस के फिजिकल में गया हुआ था, जून का समय था, लगभग 20-22 जून के आसपास का, और लगभग 12 बजे के आसपास चिलचिलाती धूप पड़ रही थी, और उस चिलचिलाती धूप में एक भाई, या तो वो डेड था
या वो बहुत बुरी कंडीशन में था, वो झाड़ियों में ऐसे पड़ा हुआ था, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। अब क्योंकि मैं रनिंग कर रहा था इसलिए मैं रुकना ठीक नहीं था, टाइमिंग चल रही थी, तो वो दृश्य देख के मैं एकदम हिल गया था, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। तब मेरी तैयारी का शुरुआती दौर था। अब ये कंडीशन, किसी का गुजर जाना या किसी का बहुत क्रिटिकल कंडीशन में चला जाना ड्यूरिंग फिजिकल, इसके दो रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न है कि कई बार एक लंबे अरसे से ब्लड प्रेशर की या कोई बीमारी की दिक्कत चली आ रही होती है, और फिजिकल के दौरान बॉडी पे पड़ने वाला जो प्रेशर होता है उसको बॉडी झेल नहीं पाती, तो तबीयत खराब हो जाती है। ये बहुत माइनर सा रीज़न है। पर दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताता हूँ, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि हम लोग मस्ती करते रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। जब आपको पता है कि आपको फिजिकल देना पड़ेगा, जब आपको पता है आपको दौड़ना पड़ेगा, तो आप उसे 15 दिन पहले के लिए शेड्यूल क्यों रखते हो भाई। ये मैंने अपने फिजिकल से चीजें सीखी थी। सीपीओ का फिजिकल था 2017 का और मेरे पास एक महीने का समय था। मेरा वजन था 90 केजीज मेरा उस टाइम पे वेट था। मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर्स, तो मेरा वजन उस समय बहुत ज्यादा था, और आपको पता है सीपीओ का फिजिकल अच्छा खासा होता है। तो मैंने दिन रात दौड़ के एक महीने में 11 किलो वजन घटाया था और फिजिकल को क्वालिफाई किया था। फिजिकल, एक बात बताता हूँ, फिजिकल क्वालिफाई होता माइंड से। फेफड़े सबके फटने लगते हैं भाई, सांस सब क्यों खड़ने लगती है, पर जो यहाँ पे उस प्रेशर को झेलता है कि भाई करना है करना है करना है, तो वही आदमी पार होता है। अब इसका दूसरा विकल्प जो हमको पता है, हम देखते हैं क्या, जो भी बंदे बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड है, वहाँ पे आप देखते होंगे शॉप्स होती हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलते हैं, वहाँ पे ड्रग्स भी मिलते हैं। वो ड्रग्स ऐसे होते हैं, उनको डायरेक्टली ड्रग्स की श्रेणी में रखना तो कुछ ठीक नहीं है, दवाइयों की श्रेणी में रखना तो ठीक नहीं है, पर वो इस तरह के होते हैं, वो आपका जो परफॉर्मेंस है उसको एनहेंस करने वाले होते हैं, यानी आपके सांस को फूलने नहीं देंगे, ठीक है, आपका जो विंड पाइप है उसको ब्रॉड कर देंगे, ठीक है, आपको थकान फील नहीं होने देंगे, एक तरह के एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो, तो उनको लेने की प्रथा चल पड़ी है कि उनको लेने से आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। तमाम लोग मैंने देखा है, मेरे साथ में भी लड़के हैं, बहुत लड़के हैं जो इस तरह का यूज़ करते हैं, मैंने उनको देखा है। अब गोरखपुर वाले केस में क्या हुआ है ये मैं ठीक से नहीं जानता, मुझे बहुत दुख हुआ उस भाई के लिए सुन के कि उस भाई ने फिजिकल निकाला, मतलब रिटर्न निकाला, वो हुआ किन कारणों से उस भाई के साथ ऐसा हो गया वो तो पुलिस ही बता सकती है, जांच के बाद, मतलब मेडिकल परीक्षण के बाद ही जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी उसमें ही ठीक से पता लग पाएगा, मुझे आगे की जानकारी नहीं है। बड़ा भगवान उनके घर वालों को बड़ा हिम्मत दे उस चीज़ को दुख झेलने के लिए। आपको पता है कि आपको फिजिकल देना है तो 500 मीटर रोज क्यों नहीं दौड़ते आप, 500 मीटर आपको रोज़ दौड़ना चाहिए ना। अगर आप 500 मीटर रोज़ हल्का हल्का जॉगिंग भी करोगे तो आपका मुश्किल से आधा घंटे का वर्कआउट होगा, और आपके फेफड़ों को हैबिट बनी रहेगी, आपके लंग्स को हैबिट बनी रहेगी, आपकी जो पैरों की मसल्स हैं इनको भी हैबिट बनी रहेगी, और जैसे ही आप फिर फिजिकल आएगा आप तैयारी करेंगे आपका ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। पर नहीं, हमको तो क्या करना है, हमको इंजेक्शन लगाना है। टर्मिन का इंजेक्शन लगाते हैं लोग यार, टर्मिन का इंजेक्शन घोड़ों को दिया जाता है, वो बॉडी में इतनी हीट पैदा कर देता है, इतनी गर्मी पैदा कर देता है कि फिजिकल के दौरान हमारी बॉडी उसको झेल नहीं पाती, और हमें ऐसे ऐसे केसेस को देखना पड़ता है। क्या तुमने सोचा है कि तुम अपने माँ बाप के लिए जॉब लेना चाहते हो, पर अगर किसी किसान ने अपने खून पसीने से जोत के पैदा करके लाड़ प्यार करके एक फसल को उगाया हो और उस फसल के कटने के टाइम पर वो फसल बर्बाद हो जाए, कितना दुख उस किसान को होता है ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो हम, मैं, आप तमाम लोग जो देख रहे हैं, हम सब लोग अपने माँ बाप की वो बेशकीमती फसल हैं जिसको हमारे माँ बाप ने अपने खून पसीने से सींचा है, और अगर इस तरह की घटनाएं कुछ हो जाएं तो उन माँ बाप के पास जीने का क्या सहारा बचेगा, आप सोच के देखो। वो बाप जो रोज आपके कामयाब होने की राह को देखता है कि मेरा बेटा कामयाब होगा, उनके सामने ऐसी कुछ बातें आएंगी तो
ऐसा कुछ दुर्घटना होगी, दुर्भाग्यवश ऐसी दुर्घटना होगी, तो बाप जीते जी मर जाएगा, टूट जाएगा बिल्कुल। वो माँ जब तुम फिजिकल के लिए जाते हो, फिजिकल की तैयारी करने जाते हो, तो तुमको दूध पिला के भेजती है, आके दूध, आगे बादाम का रगड़ा, भूरी मिर्च का रगड़ा, आपको दूध घी में छोंक के सब देना, और वो माँ फिजिकल की डेट वाले दिन आपको तिलक लगा के और चीनी और शक्कर खिला के, चीनी शक्कर दही वो एक घोल खिलाते हैं, वो खिला के भेजती हैं, उनका क्या होगा, सोचा है कभी? तो संदेश मेरा केवल इतना है भाई, रिटन की तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल की तैयारी भी आपको हमेशा करनी चाहिए, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और किसी भी एस्ट्रॉइड का एक कैफीन ली जाती है, मेरे को एक बार किसी ने बता दिया, मैं अपना अनुभव बताता हूँ आपको, कैफीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन होता है, सबको पता है जो रनिंग करते हैं पता होगा, कॉफ़ी में कैफीन होता है, और वो कैफीन क्या काम कर देता है, एकदम बूस्टअप कर देता है बॉडी को, है ना, सांस लेने में जो जल्दी फूल जाता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, उसको भी दूर करता है, मसल पेन को भी ख़त्म करता है, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली माइंड को बहुत ज़्यादा एक्टिव कर देता है, आपको पता होगा कॉफ़ी पीने से नींद चली जाती है। तो एक बार मेरे को किसी ने सजेशन दिया कि तुम, मैं जब भी फिजिकल के दौरान जब मैं ठीक से कर नहीं पा रहा था, तो मेरे को किसी ने सजेशन दिया तुम कैफीन के कैप्सूल खाओ, उससे तुम्हारा जो टाइम है वो 30 से 35 सेकंड टूट जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करनी है भाई, आपको केवल अपनी ताकत पे, अपने दम पे बात रखनी है। और इस वीडियो में जो भी बात मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी बात केवल आपके हित के लिए है, और भगवान उस लड़के की आत्मा को शांति दे और उसके परिवार वालों को ये दुख झेलने का साहस दे, हिम्मत दे। और आप कभी भी ये काम मत करना, क्योंकि आपके माँ बाप के लिए आप बहुमूल्य हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूँ राम भारद्वाज, जय हिंद, जय